हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जेईई में 2019 में आए हैं। अब जेईई में 2019 में टोटल 16 पेपर्स हुए थे, तो उसमें अराउंड 47 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस आए थे। तो अगर लेक्चर लंबा हो जाएगा तो उसको पार्ट्स में तोड़ देंगे, बाकी पार्ट्स का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको थ्योरी नहीं आता है तो थ्योरी वाला लेक्चर देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। अगर नहीं डालूँ बाय चांस तो कमेंट बताना, फिर भी नहीं डालो तो चैनल ब्राउज कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टू वेरीफाई ओम्स लॉ, स्टूडेंट कनेक्ट्स द वोल्ट मीटर अक्रॉस द बैटरी एज शोन इन द फिगर। तो इस बैटरी के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। द मेजर्ड वोल्टेज इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज नाप रहे हम लोग, एंड द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑप्टेन। ठीक है, तो हम लोग एक सिंपल चीज़ लिखते हैं, जो वोल्टेज है, सॉरी, ये जो वोल्टेज है किसके अक्रॉस नापा जा रहा है, इस बैटरी के अक्रॉस विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है ना, समझ में आ रही बात है ना। तो ये बैटरी के अक्रॉस क्या नाप रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, अब ऑफकोर्स यहाँ पे और कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं है तो बैटरी से तो करंट बाहर ही जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें भी जा रहा होगा, या ठीक है आइडियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा का पूरा ऐसे करंट जा रहा है। तो हम लोग को पता है कि ये अगर ईएमएफ इसका ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वी का वैल्यू क्या आने वाला है, ई माइनस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस क्या होता है, या बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है जब करंट उससे बाहर निकलता है, तो ई माइनस आई आर। ठीक है, ओके, आइडियल वोल्ट मीटर मान लेते इसको। ठीक है, इतना आ गया एज शोन। तो आपसे पूछा गया है क्या, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि वी नॉट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो आइडेंटिफाई। ठीक है, वी नॉट का वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, मतलब एक ग्राफ ऑलमोस्ट नीचे टच कर रहा है जब, तो ये हम लोग टच करवा ही देते हैं। टच कहाँ पे कर रहा है, 1000 में। ठीक है ना, तो आपको दो वैल्यूज़ पता है, क्या क्या वैल्यू पता है, जब वी का वैल्यू 1.5 है तब आई ज़ीरो है। ठीक है, तो करेंट का वैल्यू जब ज़ीरो पुट करेंगे तो वी का वैल्यू 1.5, जब करेंट का वैल्यू ज़ीरो तो वी का वैल्यू 1.5। ठीक है, तो ज़ीरो इंटू आर है, तो इससे ई एम एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5 है ना। और दूसरा डेटा क्या है, इस पॉइंट के लिए डेटा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 1000 मिली एम्पियर, यानी 1 एम्पियर। एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इस पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, वाई कोऑर्डिनेट 1 था। ठीक है, तो करंट 0 था, वोल्टेज इतना था, यहाँ पे वोल्टेज 0 है, करंट 1 है ना। तो इस फॉर्मूला में फिर से पुट करते हैं, क्योंकि ये फॉर्म याद रखना है, जो ग्राफ दिया गया आपको वी वर्सेस आई का रिलेशन है, और वी और आई यहीं पे है ना, आई ये वाला आई है, इसको कैपिटल आई रख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में लोग कैपिटल आई यूज़ किया, बस इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। तो वी का वैल्यू इस पॉइंट को अगर पुट करें तो वी का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ई एम एफ माइनस आई, करंट कितना है, 1 है इंटू आर। ठीक है, अब याद रखना ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप ई एम एफ को चेंज नहीं कर रहे हो, इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हो, सब कुछ चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह आप चेंज करो, क्योंकि यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस डाला गया तो उसके कारण करंट चेंज होगा। ठीक है, लेकिन वी ई और आर फिक्स है, कैपिटल ई और स्मॉल आर है ना। तो कैपिटल का वैल्यू आप एक बार डेटा से व्यूज निकाल चुके हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन करें तो वही रहने वाला है। तो यानी स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, 1.5 ओम। ठीक है, तो मुझे बैटरी का ई एम एफ पता चल गया, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इतना, व्हेन इट सेंड्स अ करंट ऑफ इतना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इस इतना। अब देखो, जब बैटरी इतना करंट भेज रहा है तब पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कितना है, वी नॉट है। वी नॉट का वैल्यू क्या बोला गया, 0 है ऑलमोस्ट। ठीक है, यही पे देखो ना, बैटरी जब इतना करंट भेज रहा है, 1000 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर करंट भेज, तो वोल्टेज कितना है, 0 है। तो ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, कैपिटल आर का वैल्यू निकाली नहीं हम लोग, स्मॉल आर का निकाले 1.5। ठीक है, ई एम एफ ऑफ द बैटरी इतना एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इतना, कैपिटल आर का निकाले नहीं, स्मॉल आर का निकाले। हाँ, तो ऑप्शन 4 सही है, ई एम एफ ऑफ द बैटरी 1.5 वोल्ट सही, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम सही। ठीक है, कैपिटल आर का वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते इस डेटा से है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स स्केल एंड हैज़ सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। यानी एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट फ्लो होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के थ्रू, 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इतना मच दिस अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन है ना। इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इन टू ए वोल्ट मीटर विथ 3 रेंजेस। ठीक है, अब अगर आप 2 वोल्ट का रेंज वाला वोल्ट मीटर बना रहे हो, मतलब ऐसा वोल्ट मीटर जो 0 से लेकर 2 वोल्ट तक ही रीड कर पाए है ना, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना नाप सकता है, 2 वोल्ट। अगर 0 to 10 वोल्ट वाला बना रहे हो तो 10 वोल्ट रीड कर सकता है, 0 to 20 बना रहे हो तो 20 वोल्ट वाला रीड कर सकता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट सर्किट क्या होना चाहिए। ठीक है,
अभी मैं सोच रहा कि हाई फाई चीज़ अब कहीं पढ़े नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है ना, बहुत ही ईजी है। मैं ही पहली बार देख रहा हूँ ऐसा टाइप का डायग्राम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 है, आपको पता है सीरीज में वोल्ट मीटर जो डालेंगे उसका रेजिस्टेंस आर मान लो, है ना। ठीक है, अब मान लो रेंज बता, रेंज क्या होता है वोल्ट मीटर का, जो मैक्सिमम पोटेंशियल वो नाप सके उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो वी मैक्स, और वी मैक्स कब नापता है वोल्ट मीटर, जब उसमें मैक्सिमम करंट जा रहा हो। मैक्सिमम करंट कब जाएगा, जब उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, अब 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन के लिए आपको चाहिए 20 माइक्रो एम्पियर का करंट। ठीक है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा जब 50 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो, क्योंकि 50 डिवीजन ही मैक्सिमम डिवीजन है, और 50 डिवीजन, 1 डिवीजन के लिए इतना माइक्रो एम्पियर करेंट चाहिए, तो 50 डिवीजन के लिए 50 × इतना माइक्रो एम्पियर, यानी 1000 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, यानी 1 मिली एम्पियर, क्योंकि माइक्रो 10^-6 होता है, यहाँ 10^3 है, तो 1 मिली एम्पियर है ना। तो मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है इसमें, 1 मिली एम्पियर, यही मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट कितना हो गया, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो वी मैक्स होता है आई मैक्स इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट कितना है 100 + R। ठीक है, वी मैक्स का वैल्यू वी मैक्स ही रहने दो, क्योंकि हमें तीन अलग अलग वी मैक्स का वैल्यू दिया हुआ, एक बार 2 दिया हुआ, एक बार 10 दिया हुआ, एक बार 20 दिया हुआ। ठीक है, आई मैक्स 1 मिली एम्पियर मतलब 10^-3 100 + R। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 + 10^, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे तो आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू मिल जाएगा आपको यहाँ पे 1000 Vmax - 100। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया। अब वैल्यूज पुट करो, जब आपका Vmax 2 वोल्ट है तब रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, तो 2 वोल्ट के लिए लोग हमेशा R1 यूज़ किया है। ठीक है ना, देखो अब देखो ऐसे ये वाला डायग्राम को आपको समझना है क्या है, तो अगर आप 2 वोल्ट का वोल्ट मीटर डिज़ाइन किए हो तो सिर्फ इतने पार्ट को देखना है, अगर आप 10 वोल्ट का डिज़ाइन किए तो इतना पार्ट को देखना है, अगर आप 20 वोल्ट का डिज़ाइन किए तो इतना पार्ट को देखना है। ठीक है, तो जब फर्स्ट केस के लिए R1 बोल रहे हैं तो 1000 × Vmax, तो फर्स्ट केस में कितना है Vmax आपका 2 वोल्ट है ना, जब आपको 2 वोल्ट वाला रेंज वाला बनाना है तो वो एक Vmax के लिए 2 डाल देंगे, तो 2000 - 100 विच इज़ 1900 1900 सॉरी। ठीक है, तो पहले केस में R1 का वैल्यू पता चल गया 1900 है, तो 1900 वाला वैल्यू दो दो ठो, एक तो ऑप्शन 1 भी है ऑप्शन 2 भी है। ठीक है, तो R2 निकालते हैं, R2 के लिए Vmax कितना है 10 वोल्ट है ना, R2 सेकेंड वाला है ना, सेकेंड वाला के लिए 10 वोल्ट बोला गया। ठीक है, तो 10 यहाँ पुट करेंगे तो 10000 - 100 मतलब 9900। ठीक है, 9900 यहाँ भी है, बस यहीं पर है ना, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक हो जाएगा, तो R3 के लिए थर्ड वाला Vmax कितना है 20 20 पुट करेंगे तो 20000, 20000 से 100 गया तो 19900 आएगा, तो 19900। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं, द रेजिस्टिव, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, हाँ चल रही है। द रेजिस्टिव नेटवर्क शोन बिलो इज कनेक्टेड टू अ DC सोर्स ऑफ 16 वोल्ट। ठीक है, 16 वोल्ट, द पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क इज 4 वाट, तो वैल्यू ऑफ आर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज पैरल देखते हैं, 4 आर पैरल में है, तो इसका इक्वेलेंट हो जाएगा 4 और 4 का आधा 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आर डाल दो, तो ये 2 आर है, इसका इक्वेलेंट कितना है 2 आर। ठीक है, इसका इक्वेलेंट 2 आर है, फिर आर, ये 6 और 12 का इक्वेलेंट कितना होगा 6 × 12 / 6 + 12, तो 6 × 12 = 72 / 6 + 12 = 18, यानी 4, इसका 4 हो गया, और फिर आर। ठीक है, तो पूरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + 1 + 4 = 4 1 2 1 3 4 7 7 1 8, तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है 8 आर। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब क्या, इस पूरे को आप एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, और उसका वैल्यू कितना है 8 आर, और बैटरी कितना है 16 वोल्ट का। ठीक है, तो पावर कितना कंज्यूम होगा, पावर V² / R, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो पावर होता है V² / और पावर का वैल्यू आपको दे दिया 4, पी का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 16² / 32, तो 16 × 2 = 8, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 8 ओम आया। ठीक है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस जी
प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट आईजी फ्लोस थ्रू इट. तो यानी मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज आईजी. ठीक है, बोल दिया गया आपको, इससे ज़्यादा करंट आप गैल्वेनोमीटर के थ्रू नहीं फ्लो करवा सकते. ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हो चीज़ जी और आईजी, और ये मैक्सिमम करंट है. इससे ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर वाला कॉइल के थ्रू फ्लो नहीं करवा सकते, डैमेज हो जाएगा. ठीक है, द दिस गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 टू आई नॉट वेयर आई नॉट इज लेस देन, ये गलत दिया होगा, कैपिटल बड़ा होना चाहिए, आई नॉट ग्रेटर देन आई जी, क्योंकि एमीटर का काम, एमीटर बनाते इसलिए कि ज़्यादा करंट मेजर कर सके. ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, स्मॉल करंट्स के लिए यूजफुल है, बड़े करंट्स के लिए एमीटर. बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस आर ए टू इट, और फिर से एंड कनेक्टिंग अ शंट, ये भी गलत दिया हुआ है, मतलब दो बार दे दिया है. ठीक है, तो बाय कनेक्टिंग अ शंट, ठीक है, तो इसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किए, जी रहे उसके शंट रेजिस्टेंस को, आर ए बोला गया है, ये कनेक्ट कर दिया, अभी पूरा एमीटर है. ठीक है, ये पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, एमीटर है ना. ठीक है, और रेंज कितना है इसका, आई नॉट है, यानी मैक्सिमम करंट जो ये गैल्वेनोमीटर मतलब सॉरी इस एमीटर में घुस सकता है कितना है, आई नॉट है, ये क्या है, मैक्सिमम है. ठीक है, रेंज ऑफ एमीटर मतलब मैक्सिमम करंट जो इसमें घुस सकता है. ठीक है, या देखना एमीटर में मैक्सिमम आई नॉट घुस सकता है, लेकिन ये तो यहाँ पे बटने वाला है दो पार्ट में, है ना, और गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना सकता है, आई जी. तो जब मैक्सिमम करंट एमीटर में जा रहा होगा उस समय मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा होगा, क्योंकि जब ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इसमें कितना जाएगा, आई नॉट माइनस आई जी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको वोल्टमीटर में कनेक्ट कर सकते हैं जिसका रेंज है 0 to V. ठीक है, तो इसको वोल्टमीटर में कनेक्ट करने के लिए पता है सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, RV. ठीक है, इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर, है ना, और इसका रेंज कितना है, V है, तो Vmax आपको बोल दिया कितना है, V है. ठीक है, अब Vmax कब हो रहा होगा, जब इसमें मैक्सिमम करंट जा रहा होगा, है ना, और मैक्सिमम करंट याद रखना जब गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर बदलता है, तब जब गैल्वेनोमीटर अकेला था तब उसमें जितना मैक्सिमम करंट जा सकता था वोल्टमीटर में उतना ही जा सकता है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ना. ठीक है, तो वही मैक्सिमम वोल्टेज तभी होगा जब मैक्सिमम करंट जा रहा होगा, और गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट इतना जा सकता है, भले ये वोल्टमीटर है अब, लेकिन वोल्टमीटर में मैक्सिमम करंट उतना ही जा सकता है जितना गैल्वेनोमीटर में जा रहा था, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में करंट सेम होता है ना. यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे जितना जा रहा था यहाँ पे भी कुछ जा सकता है, यहाँ पे जैसा तो 10 जा सकता था, तो यहाँ 10 जा रहा है, यहाँ 20 जा रहा, तो पूरे एमीटर के थ्रू 30 जा सकता है, इसको 30 बोलते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ अभी भी 10 ही जा सकता है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू पूरा का पूरा जाना है, मतलब गैल्वेनोमीटर के कॉइल के थ्रू. ठीक है, भले वोल्टमीटर कहला रहा है अभी. ठीक है ना, ठीक है, याद रखना, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर कब नापेगा, जब उसके थ्रू मैक्सिमम करंट जा सके, और क्योंकि वोल्टमीटर में वो जो नया रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर वाले कॉइल के सीरीज में लगता है, तो जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट जा सकता है तो वही वोल्टमीटर में मैक्सिमम करंट जा सकता है. ठीक है ना, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर इज सेम. ठीक है, लेकिन एमीटर में ज़्यादा होता है. ठीक है, तो आपको अब ये चार रिलेशन, चार ऑप्शन दिए गए, चूज करना है, तो वही आर ए आर वी का सबको वैल्यू निकालते हैं. तो याद रखना है, मैक्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल इसका आई इंटू इसका आर. ठीक है, यहाँ से आर ए मिल जाएगा, है ना. वैसे इसके लिए हम लोग देखेंगे तो वी मैक्स का वैल्यू कितना है, वी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वी इक्वल टू आई इंटू आर, आर कितना है, जी प्लस आर वी. ठीक है, और आपको एक और वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, ये कितना है, जी आई नॉट के बराबर. ठीक है, ये वी का वैल्यू बोल दिया है क्वेश्चन में ही, जी आई नॉट के बराबर, है ना. ये जो रेंज है वोल्टमीटर का, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो नाप सकता है, उसका वैल्यू ही दे दिया आपको जी आई नॉट. ठीक है, तो वी इज जी आई नॉट. ठीक है ना, तो जी एन आई नॉट इक्वल टू आई जी, जी प्लस आर वी. तो ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन, बस हो गया. ठीक है, अब इन दोनों को यूज़ करके हम लोग को देखना है, अब हर ऑप्शन में देखो आर ए आर वी का प्रोडक्ट है और आर वी आर वी का रेशियो है. ठीक है, तो यहाँ से आर ए निकालते हैं, तो यहाँ से आर ए का वैल्यू आई जी, जी डिवाइडेड बाय आई नॉट माइनस आई जी, ये हो गया आपका आर ए का वैल्यू. और इस सेकेंड रिलेशन से आर वी का वैल्यू अगर निकाले तो जी आई नॉट बाय आई जी माइनस जी. ठीक है, जो कि जी को कॉमन ले ले अगर, तो आई नॉट माइनस आई जी बाय आई नॉट आई जी सॉरी, तो आर वी का वैल्यू इतना है. ठीक है, तो आर ए पता है, आर वी पता है ना.
अब आर ए वाई आर वी निकालते हैं और आर ए इंटू आर वी निकालते हैं, ठीक है। तो आर ए इंटू आर वी में तो कुछ कुछ कैंसिल हो गया, हाँ अच्छी बात है, आई जी पूरा कैंसिल हो गया, तो जी स्क्वायर बचा। तो आर ए आर वी जी स्क्वायर वाला ऑप्शन है, आर ए आर वी इक्वल टू जी स्क्वायर, तो थ्री और फोर्थ हो सकते हैं ना, बाकी ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि आर ए आर वी जी स्क्वायर थ्री और फोर्थ में दिख रहा है। अब आर ए आर बाय आर वी निकाले, अगर आर ए बाय आर वी है ना सब में, इन दोनों में आर ए बाय आर वी, आर ए बाय आर वी, हाँ तो आर ए बाय आर वी निकालते हैं। आर ए का वैल्यू है इतना, आई जी जी बाय आई नॉट माइनस आई जी, और वन बाय आर वी इसका उल्टा कर दो, तो आई जी बाय जी, ठीक है। ओके तो ये हो जाएगा जी जी खाली कट गया, क्या दिख रहा है हमें, इसको थोड़ा ऊपर ले लिया अगर, या यहीं पे हो जाएगा, ये आई जी का स्क्वायर ऊपर में और नीचे आई नॉट माइनस आई जी का स्क्वायर, ठीक है। तो आर ए बाय आर वी का वैल्यू आई जी बाय आई नॉट माइनस आई जी का स्क्वायर, आई जी बाय आई नॉट माइनस आई जी का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन थ्री, ठीक है। ओके क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन आसान था, है ना। इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया। अब यहाँ पे तीन बैटरीज है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट बैटरी बनाते हैं, है ना। इसका इक्विवेलेंट बैटरी क्या होगा, तीनों देख लो आप, पैरेलल में कनेक्टेड है और सेम लाइक पोलैरिटी एक साथ है, देखो पॉजिटिव 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 एक साथ कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू, किसी को भी ई वन किसी को भी ई टू बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ई थ्री बाय आर थ्री डिवाइडेड बाय वन बाय आर वन, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, है ना, ठीक है। ई वन बाय आर वन, ई टू बाय आर टू, ई थ्री बाय आर थ्री, वन बाय आर वन, ये इक्वेलेंट बैटरी इन पैरेलल कनेक्शन होता है ये। तो तीन दो पाँच एक छः तीन, तो 2 वोल्ट का बैटरी, और इक्वेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वन बाय दिस, वन बाय दिस, वन बाय दिस, तो वन आ जाएगा, है ना, ठीक है, वन बाय थ्री आ जाएगा, सॉरी, वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन, हाँ वन बाय आर इक्वल टू थ्री है, तो आर इक्वल टू वन बाय थ्री, ठीक है। तो इक्वेलेंट बैटरी का ईएमएफ इतना इतना है, यानी इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एक बैटरी से, है ना। तो इस पूरे को हम लोग रिप्लेस करेंगे सिर्फ एक बैटरी से, ठीक है। तो पॉइंट ए को तो वैसा ही ड्रॉ करो, 5 ओम का रेजिस्टेंस बना दो। अब डी और सी पॉइंट के बीच का पार्ट को, डी और सी पॉइंट के बीच का पार्ट को हम लोग सिर्फ एक बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने वाले, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट बैटरी का 1/3, और बैटरी का ईएमएफ कितना निकाले हम लोग, 2 वोल्ट, ठीक है। और सी से बी के बीच में क्या है, 10 ओम का, ठीक है ना। तीन बैटरी वाली एक बैटरी डाल दी है वहाँ पे, है ना। बस आप बोलोगे सर यहीं से क्यों ट्रो, यहाँ से क्यों नहीं, इसी चीज़ को यहाँ ड्रॉ करना है तो कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कनेक्शन मैटर करता है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अब पहले सर्किट में क्लोज लूप थे, अब तो नहीं है एक भी क्लोज लूप, तो करंट तो फ्लो होगा नहीं, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो बैटरी का ईएमएफ है, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है अब, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन ए एंड बी विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ इक्विवेलेंट बैटरी, और इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अ कार्बन रेजिस्टर हैज फॉलोइंग कलर कोड, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, अब ये वाला टेबल आपको एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, ठीक है, मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैं टेबल साथ में रखा हूँ। तो आपको कार्बन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कलर कोड पहले जी ओ वाई फिर गोल्डन, है ना, जी से कुछ नहीं हो सकता तो ग्रीन ही होगा, क्योंकि और जी से कुछ नहीं, ग्रे भी हो सकता है लेकिन मुझे लगता है ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और गोल्डन, वैसे लिखना चाहिए था इनको, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ जी मतलब ग्रीन है, ठीक है, वैसे लिखना चाहिए, या मैं जिस सोर्स से क्वेश्चन लिया हो, क्या पता एक्चुअल एग्जाम में ग्रीन बोला गया, वो लोग शॉर्ट में लिख दिए, जो भी है मैं जी मतलब ग्रीन मान रहा हूँ, ठीक है, या क्वेश्चन बोल सोच लो ये ग्रीन बोल रहा है, ठीक है, ये ग्रीन है क्वेश्चन में बोल रहा है, मान लो ग्रीन, ऑरेंज, येल्लो, ठीक है। तो ग्रीन, ऑरेंज, येल्लो, तो ग्रीन है आपका 5, फिर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब 3, और पहला दो डिजिट उसके बाद 10 की पावर आता है ना, येलो मतलब 10 की पावर 4, ठीक है, और लास्ट में गोल्डन, गोल्ड के लिए 5%, ठीक है। फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर से ये आएगा 10 की पावर, और फोर्थ कलर से एरर, ठीक है। तो 53 वाला ऑप्शन तो सिर्फ ए और बी में है। अब 5.3 मेगा तो नहीं है दिख रहा मुझे, 530 किलो, हाँ 530 किलो, इसी को हम लोग,
एक जीरो यहाँ कर लो तो 10^3 प्लस माइनस 5%। अब 10^3 को किलो लिख दिया तो 530 kHz प्लस माइनस 5%, ऑप्शन ए। ठीक है, अ करेंट ऑफ 2 mA वॉज पास थ्रू एन अननोन रजिस्टर विच डिसिपेटेड अ पावर ऑफ इतना। डिसिपेटेड पावर व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई ऑफ 11 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस। ठीक है, तो करंट इतना पास कर रहे किसी अननोन रजिस्टर से तो पावर डिसिपेशन इतना हो रहा है। तो हमें पता है पावर क्या होता है, I² R, ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो पावर आपको बोल दिया है 4.4 है, करंट है 2 mA × R। ठीक है, अब पावर कितना होगा जब 11 वोल्ट का सोर्स से उसको पावर सप्लाई करेंगे। तो सेकंड केस में वोल्टेज दिया, फर्स्ट केस में करंट दिया हुआ था, इसलिए पावर के लिए फॉर्मूला यूज़ किया। सेकंड केस में पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V² R वाला। ठीक है, तो पावर का वैल्यू क्या होगा जब वोल्टेज है इतना और रेजिस्टेंस वही है जो पहले केस का था। तो ये यहाँ से आर का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना है, 4.4 ÷ 4 × 10⁻⁶, 1.1 × 10⁶। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, -6। ठीक है, तो 10⁻⁶ × 11 × 11, 1.1। तो 11 × 10⁷ इतना बड़ा नंबर आ सकता है क्या, दिख तो नहीं रहा। एरर चेक करते हैं, कैलकुलेशन एरर, पावर इक्वल टू V² R 4 × 10⁻⁶ सही है यहाँ तक, तो 1.1 × 10⁶। रेजिस्टेंस तो सही निकाला हूँ मैं, V² R, V है 11 / R, 1.1 × 10⁶ था ना, -6 क्यों लिया है, 6। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो 11 × 10⁵ है ना, 11 × 10⁵ है ना, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अदरवाइज इट विल बी टू लॉन्ग। तो बाकी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, टोटल याद रखना 47 क्वेश्चंस है, तो बाकी क्वेश्चंस का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, पार्ट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।